अभी बैठ जाओ पानी बाल्टी है सर ये जा रहा बड़ा बोला ना ये पीछे खराब तेल दबाना पड़े फिर जा रहा ये ऐसे रखा है तू पापा से तो अब सुबह ये वाला फिर भी ठीक है ये फोटो की हाइट थोड़ी कम होने से थोड़ा बैलेंस कैम भी मोटा है थोड़ा स्टैंड थोड़ा मोटा है सर आपने इधर तो आपने बड़ा सोच के लगाया आपकी हाइट जान कौन है सर आप छोड़ दो दबा देंगे चारों चारों लो मार दो हम मार दो पानी पानी देना सेकंडरी वेटिंग आए हुए अभी है ये आ गई जैसे पे ये होता है सब कुछ ठीक से लगाओ यार वो आप वो हटा दो क्या हां हां ठीक है तो हमारी ये साथ तो बाउंड पे सर हां हां नहीं नहीं हमारी तो कुछ ज्यादा गुड लग रही है एक मतलब और ये और लगा लो विश्वास जिला प्रशासन और वन विभाग के द्वारा जो इस बार हम लोग 17वां वन महोत्सव मनाने के लिए जब योजना बनाई तो कलेक्टर साहब ने ये सजेस्ट किया था कि मेडिकल कॉलेज में इस बार थोड़ा वृक्षारोपण हो साथ ही साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वृक्षारोपण करने के लिए हम लोगों ने अपनी इच्छा जताई तो हमने दोनों को मिला के कार्यक्रम यहाँ रखा और वृक्षारोपण का कार्यक्रम मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों में रखा इसके चलते मेडिकल कॉलेज में 50 से ज़्यादा और इंजीनियरिंग कॉलेज में 150 से ज़्यादा तो इस हिसाब से लगभग 200 पौधे से ज़्यादा हम लोग वन महोत्सव के पौधे लगाने की कोशिश सर जो सेहत की हिफाजत करते हैं सफ़ेद कोट में रहते हैं वो गो ग्रीन का नारा आज दे रहे हैं और वो पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं वो अपने आप कितना अनूठा इससे तो अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकता मेरे लिए तो गर्व की बात है और मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम पर्यावरण के बारे में डॉक्टर्स को बता रहे हैं और जिससे कि जो डॉक्टर्स हमारा इलाज करते हैं उनको पर्यावरण की अच्छाई के बारे में बताएंगे ताकि लोगों को जागरूकता हो पता चले तो इससे बड़ी बात तो मैं कहीं समझ सोच नहीं सकता तो हमने मुझे लगता है कि जो मेडिकल कॉलेज में आपने जो ये वन महोत्सव मनाया है ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी उपलब्धि जिले भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं जिले भर में कार्यक्रम होगा ये तो जिला स्तरीय कार्यक्रम था अभी हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सभी रेंजों पर जहाँ जहाँ संभव हो सके वृक्षारोपण का ये जो वन महोत्सव है